हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलावर सिंह परिहार आप सभी का स्वागत करता हूं मारेवा आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियोस में आपने बायोलॉजी स्टार्ट किया था, तो लास्ट वीडियो में मैंने बायोलॉजी का जो बेसिक चैप्टर स्टार्ट किया था वो था आपका सेल। ओके, तो सेल में मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी थी, बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे उसके जो उसका डेफिनेशन है वो। ओके, और सेल ही सबसे पहले क्यों पढ़ा जाता है, इसके बाद डिस्कवरी ऑफ सेल और अलाइव सेल की डिस्कवरी, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में कर ली थी। ओके, देन सेकेंड मैंने आपको टाइप्स ऑफ सेल बताया था, स्ट्रक्चरल बेस पे एंड फंक्शनल बेस पे। ओके, तो बेसिक मैं आपका तैयार करवा चुका हूँ, और जिस स्टूडेंट ने ये वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले हमारा सेल का फर्स्ट पार्ट क्लियर कर ले, देख ले, उसके बाद सेकेंड पार्ट से हमारे साथ जुड़ जाए। ओके, चलिए, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो एक हम सेल पढ़ने वाले हैं, उस सेल के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उनके बारे में डिटेल स्टडी करने वाले हैं। ओके, ये वीडियो देखने के बाद इतना तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सेल से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी क्वेश्चन आते हैं, वो सारे कवरअप हो जाएंगे और डेफिनेटली आपको बहुत ही शानदार सेल समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो सेल मैं आज पढ़ाने वाला हूँ आपको, वो हम क्या पढ़ने वाले हैं देखेंगे। यहाँ पर जो आपको यूकैरियोटिक सेल दिख रहा है, ये वाला पोर्शन यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक के दो पार्ट होते हैं बेसिकली। यहाँ पर देखिए, एक होता है प्लांट और एक होता है एनिमल, मतलब जिनके अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। ओके, तो बेसिकली हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, तो यहाँ पर ये जो सेल मैंने बनाई हुई है ये एक यूकैरियोटिक सेल है। अच्छा, और एक चीज़ और, यूकैरियोटिक्स में दो चीज़ें आती हैं, प्लांट और एनिमल। ओके, तो मैं आपको प्लांट और एनिमल दोनों एक ही सेल के अंदर बताऊँगा। ओके, जिससे आपको दोनों के बीच में डिफरेंसेस पता चलें। ओके, और यहाँ पर मैंने अलग सेल भी ले रखी है, जैसे ये देखिए, ये प्लांट सेल है और इस तरीके से एनिमल सेल है, तो दोनों का अलग अलग डायग्राम भी है, लेकिन हम यहाँ पर कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे। ओके, कंपैरेटिवली स्टडी, तो चलिए ये देख लीजिए, ये आपका सेल है, इसके अंदर ये ऑर्गन्स के नाम मैंने लिखे हुए हैं, तो स्टार्ट करता हूँ मैं। ओके, चलिए सबसे पहले मैं देखूंगा ये सेल का जो सबसे आउटर लेयर आपको दिख रही है, ये देखिए, ये कहलाएगा सेल वॉल। देखिए यहाँ पर दिख रही है ये आउटर लेयर, तो ये आउटर लेयर सेल वॉल कहलाती है, और केवल जो सेल वॉल है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है। किस सेल में पाई जाती है? प्लांट सेल में, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है सेल वॉल। ओके, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है इसके बारे में, देख लेते हैं। ये देखिए सेल वॉल है, ये बेसिकली किस में पाई जाती है? केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, प्लांट सेल में पाई जाती है, और प्लांट सेल में बेसिकली ये बनी होती है सेलुलोज की। ठीक है, सेलुलोज जो कि क्या है, सेलुलोज देख लेते हैं, ये एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड मतलब आपने देखा होगा आपके जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली तीन टाइप के होते हैं। तीन टाइप कौन कौन से हैं? एक मोनोसेकेराइड, एक डाई या ऑलिगोसेकेराइड, और एक होता है आपका कौन सा, पॉलीसेकेराइड। ठीक है ना, तो ये पॉलीसेकेराइड टाइप मतलब कार्बोहाइड्रेट का जो पॉलीसेकेराइड टाइप है वही क्या है आपका, सेलुलोज है। जब मोनोसेकेराइड में, मोनोसेकेराइड के 10 से ज़्यादा मॉलिक्यूल आपस में ऐड होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, पॉलीसेकेराइड बनाते हैं। बात समझ आ गई ना, मतलब पॉलीसेकेराइड भी मोनोसेकेराइड से ही बना होता है, लेकिन जब क्या कहा मैंने कि 10 से ऊपर जब मोनोसेकेराइड्स की यूनिट आपस में ऐड हो जाती हैं तो वो क्या बना लेती हैं, वो किस फॉर्म में आ जाती हैं, पॉलीसेकेराइड। और पॉलीसेकेराइड एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो सॉल्युबल नहीं होता, घुलनशील नहीं होता, खुलता नहीं, अब खुलता नहीं है तो काफ़ी हार्ड होगा, तो इस कारण ये पौधे को क्या करता है, एक निश्चित आवरण प्रदान करता है। निश्चित आवरण का मतलब क्या हो जाएगा आपका, कि मतलब पेड़ का जो स्ट्रक्चर रहता है वो किसकी वजह से रहता है, इस वॉल की वजह से ही रहता है। और सेकेंड चीज़ ये हो जाएगी कि बाहर से जो भी आघात वगैरह होते हैं उन सबसे रक्षा करता है सेल वॉल। ओके, जैसे अलग अलग चीज़ों में अलग अलग सेल वॉल पाया जाता है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हो कवक का सेल वॉल जो बना होता है वो काइटिन से बना होता है। ओके, तो इस टाइप से हमने सेल वॉल के बारे में देखा। ठीक है, हम में नहीं पाया जाता है बेसिकली, मतलब एनिमल और हम में, होमो सेपियंस में नहीं पाया जाता, क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे में ऑलरेडी स्केलेटन सिस्टम है, तो हमें स्टेबिलिटी के लिए किसी सेल वॉल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी चीज़, सेलुलोज, सेलुलोज क्या है, सेलुलोज का डाइजेशन भी हमारी बॉडी नहीं कर पाती है। क्यों नहीं कर पाती, क्योंकि क्या है, घुलनशील नहीं है, और हमें भोजन पचाने के लिए उसको घोलना पड़ता है, उसकी टुकड़े करने पड़ते हैं, तो जब इसके टुकड़े नहीं होंगे तो क्या होगा, ये हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पहले डाइजेस्ट नहीं होता था, एक अपेंडिक्स नाम का पार्ट आपकी बॉडी में पाया जाता है, जब मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा, वो सेलुलोज का डाइजेशन करता था, बट धीरे धीरे हमने सेलुलोज की चीज़ें खाना बंद की, जिससे क्या हो गया है, अपेंडिक्स का यूज़ कम किया हमने, कम करने के बाद उसका यूज़ हमने करना बंद कर दिया, जिससे वो फिलहाल अवशेषी अंग हो गया। अवशेषी अंग मतलब कि जैसे हमने उसका यूज़ बंद किया तो उसका मैकेनिज्म पूरा क्या हो गया है, काम करना बंद कर चुका है हमारी बॉडी में, है ना, तो हमारी बॉडी
बॉडी में है लेकिन वो काम नहीं करता। ठीक है, तो ये था कुछ सेल वॉल के बारे में इंफॉर्मेशन आपकी। ठीक है, चलिए, तो इस टाइप से हमने सेल वॉल को देखा। ये देखिए यहाँ पर सेल वॉल है। ओके, अब देखिए सेल वॉल के जस्ट नीचे देखिए, ये जो यहाँ पर ये लेयर पाई जा रही है सेकेंड लेयर, ये इसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का मतलब ये होता है आपका कोशिका झिल्ली। ठीक है ना, ये जो कोशिका झिल्ली होती है इसके बारे में हम देख लेते हैं। ये आपकी दोनों में पाई जाती है, दोनों में पाई जाती है मतलब इसे सेकेंड, तो इसे जो नाम दिया गया है वो दिया गया है इसे प्लाज्मा झिल्ली का नाम दिया गया है। ठीक है ना, प्लाज्मा झिल्ली। और बेसिकली जो होती है सेमी परमिएबल होती है, मतलब अर्ध पारगम में होती है। अर्ध पारगम मतलब जैसे ये देखिए वॉल है और ये मेम्ब्रेन है, अर्ध पारगम में मतलब कि कुछ बाहर से ज़रूरी चीज़ों को ये अंदर आने देती है। ओके, मतलब हर चीज़ ना तो इसके अंदर आ सकती है और हर चीज़ से बाहर भी नहीं जा सकती, मतलब ज़रूरत की चीज़ों को अंदर और अंदर से जो अपशिष्ट जो वेस्ट मटेरियल है उसको ये बाहर कर देती है। ओके, लेकिन जो अंदर साइटोप्लाज्म है, जो राइबोसोम है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है, उनको ये कभी बाहर नहीं करती। तो इसीलिए अर्ध पारगम, अर्ध मतलब आधा, पारगम मतलब पार करना, मतलब निश्चित चीज़ों को पार करना और निश्चित चीज़ों को अंदर लेना। ओके, तो ये सेमी परमिएबल होती है ना, हर चीज़ को ये परमिएबल नहीं होती हर चीज़ के लिए। क्लियर इतनी बात। तो ये सेल मेम्ब्रेन है, ये दोनों में पाई जाती है, मतलब एनिमल में भी पाई जाएगी एंड प्लांट में भी पाई जाएगी। ठीक है ना, मतलब मनुष्यों में, जानवरों में और आपके प्लांट दोनों में पाई जाएगी सेल मेम्ब्रेन है। ओके, और इसका बेसिक जो फंक्शन होता है सेल मेम्ब्रेन का वो क्या होता है, मतलब ये सेल है, ये मेम्ब्रेन है, सेल के अंदर और बाहर के जो अणु हों उनमें क्या करना, आपका बैलेंस बनाकर रखना। मतलब बैलेंस बनाकर रखना मतलब बाहर से ज़रूरत की चीज़ अंदर आने देना, अंदर का वेस्ट मटेरियल बाहर जाने देना, मतलब अणुओं के बीच क्या करना, नियंत्रण करना, इसका मेन काम होता है सेल मेम्ब्रेन का। ओके, कोई प्रॉब्लम इतने में? तो ये आपकी सेल मेम्ब्रेन हो गई है। ठीक है, चलिए जो थर्ड पार्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो देखेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये हमारी सेल है। यहाँ पर सेल में मैंने आपको एक चीज़ बताई है, यहाँ पर लिखा हुआ है थर्ड नंबर जो है ये है साइटोप्लाज्म। ओके, और साइटोप्लाज्म के जस्ट नीचे मैंने एक न्यूक्लियोप्लाज्म भी लिखा है। ये साइटोप्लाज्म लिखा है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म लिखा है। ओके, ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैं आपको बता चुका हूँ कि साइटो का मतलब क्या होता है। साइटो मतलब सेल इन अ लैटिन लैंग्वेज। ओके, और न्यूक्लियो का मतलब, न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, सिंपल सी बात। और प्लाज्म का मतलब यहाँ पर अगर मैं आपको बता दूँ तो प्लाज्म का मतलब होता है लिक्विड। ओके, लिक्विड, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, साइटोप्लाज्म मतलब सिंपल सा, साइटो मतलब सेल, प्लाज्म मतलब लिक्विड, मतलब ऐसा लिक्विड जो साइटो के अंदर हो, मतलब सेल के अंदर कोशिका द्रव्य, सिंपल सी बात है। साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव्य, वो द्रव्य जो कि इस केंद्रक झिल्ली और इस कोशिका झिल्ली के बीच में हो, यहाँ पर, मतलब इस न्यूक्लियस के अंदर नहीं, न्यूक्लियस के बाहर सेल के अंदर, यहाँ पर ये जितना भी यहाँ लिक्विड, ये डॉट 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 दिख रहा है, ये क्या है, सारा साइटोप्लाज्म है। इतनी बात क्लियर हुई आपको? ठीक है, अच्छा, सेकंड न्यूक्लियो प्लाज्म, न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, प्लाज्म मतलब लिक्विड, मतलब केंद्रक द्रव्य। क्लियर इतनी बात, न्यूक्लियो प्लाज्म मतलब केंद्रक द्रव्य, सिंपल सी बात है। ऐसा द्रव्य जो कहाँ पर हो, केंद्रक के अंदर हो, सिंपल सी बात, मतलब केंद्रक के अंदर, ये केंद्रक है, इसके अंदर भी एक द्रव्य पाया जा रहा होगा, है ना, तो उसे क्या कहेंगे हम, न्यूक्लियो प्लाज्म। अच्छा, अब दोनों को साथ साथ क्या कहेंगे हम, मतलब साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, दोनों को साथ साथ क्या कहेंगे, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य। ओके, तो जीव द्रव्य कहेंगे किस किस को, साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म, दोनों को साथ साथ जीव द्रव्य। क्यों? क्योंकि चाहे वो कोशिका द्रव्य हो, ठीक है ना, और चाहे वो केंद्रक द्रव्य हो, दोनों जीव के अंदर हैं, इसीलिए कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य दोनों को साथ साथ में जीव द्रव्य, क्योंकि चाहे वो कोशिका द्रव्य हो या वो केंद्रक द्रव्य हो, वो जीव के अंदर ही है, इसीलिए उसे जीव का द्रव्य कहा जाता है। क्लियर ना, तो ये क्या हो गया है आपका, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। क्लियर, अच्छा, और ये जो प्रोटोप्लाज्म है, इस प्रोटोप्लाज्म वर्ड को, मतलब जीव द्रव्य वर्ड को सबसे पहले हक्सले नामक वैज्ञानिक ने, मतलब इसका नाम सबसे पहले बताया था, किसने बताया था, हक्सले ने, और सॉरी हक्सले ने, सॉरी यहाँ पर ये जो है प्रोटोप्लाज्म, ये नाम बताया था पुरकिंजे ने। हक्सले ने क्या बताया था वो मैं क्लियर करता हूँ, पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म नाम बताया, ठीक ना। और एक साइंटिस्ट आते हैं हक्सले, सॉरी एक साइंटिस्ट आते हैं हक्सले, अब उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने इस प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार बोला था, मतलब फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ,
आप क्या समझ रहे हैं जीवन के भौतिक आधार से? भौतिक आधार मतलब बिल्कुल, मतलब जो हर चीज़ का एक बेस हो। मतलब देखिए एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए फिश एक्वेरियम आपने देखा होगा, है ना, फिश रहती है उसमें। तो आप मान लीजिए फिश एक्वेरियम में आपने फिश ला के रख दिया, आपने उसमें मोटर लगा दी, आपने हीटर लगा दिया, आपने उसमें आपने मतलब पत्थर वगैरह डाल दिए, इवन सारी चीज़ें आपने उसमें डाल दी, ठीक है ना। जब तक आप उसमें पानी नहीं डालेंगे तो किसी काम का रहेगा वो एक्वेरियम नहीं ना। वैसे ही मान लीजिए आप इस सेल के अंदर, इस सेल के अंदर आपके पास देखिए सब कुछ है, न्यूक्लियस है, ठीक है ना, लाइसोसोम्स हैं, गोल्जी बॉडीज हैं, है ना, इवन सब कुछ है, लेकिन ये लिक्विड ही नहीं है, ये प्रोटोप्लाज्म भी नहीं है। तो क्या ये ऑर्गन मूव कर पाएंगे? क्या ये ऑर्गन रेस्पिरेशन या सेक्रेशन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो जो मेन, जो बेसिक यूनिट है, बेसिक यूनिट मतलब जो आपका फिजिकल बेसिस है, जीवन का भौतिक आधार है, वो क्या है? प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य है। भौतिक आधार समझ में आ गया आपको? भौतिक आधार मतलब इसके बिना जीवन संभव है ही नहीं। क्यों? क्योंकि लिक्विड नहीं होगा तो लिक्विड नहीं होगा। तो आपको मैं बताऊं, लिक्विड में घुली हुई ऑक्सीजन से ही सारों का रेस्पिरेशन हो रहा है। अभी लिक्विड ही नहीं है तो ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन नहीं है तो जीवन संभव नहीं है। समझ में आई मेरी बात ना? इसीलिए प्रोटोप्लाज्म को क्या कहा जाता है? फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, मतलब जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। आधार मतलब बेस, बेस के ऊपर ही हर चीज जाती है। क्लियर इतनी बात? समझ में आया? साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, तीनों समझ में आए? कोई इशू नहीं ना। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। आगे अब आपको मैं बता दूं, यहाँ पर ये सेल का सबसे बड़ा पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस या केंद्रक, ठीक है ना। ये यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये न्यूक्लियस पाया जा रहा है, ठीक है ना। ये बेसिकली जो आप देखेंगे सेल का सबसे बड़ा पार्ट होता है, और सेल का मैनेजर भी कहा जाता है, मतलब सेल का प्रबंधक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर ही पाए जाते हैं डीएनए, और डीएनए ही सारी अनुवांशिक क्रियाओं, सारे जेनेटिक जो भी आपकी क्या रहेगी प्रोसेस रहेगी, उन सबको कौन कंडक्ट कराएगा? डीएनए ही कंडक्ट कराएगा, ठीक ना। और डीएनए कहाँ है? न्यूक्लियस के अंदर। तो न्यूक्लियस ही क्या कहलाएगा? आपका मैनेजर ऑफ सेल, क्लियर ना। तो इस न्यूक्लियस के बारे में बहुत शानदार तरीके से आपको बताता हूँ। देखेंगे यहाँ पर केंद्रक के बारे में हम देखते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आपकी कौन सी सेल है? ये आपकी प्लांट सेल है। तो प्लांट सेल में हमेशा न्यूक्लियस साइड की तरफ रहता है, है ना। और जो आपका एनिमल सेल है, एनिमल सेल में मतलब हमारे में जंतु और मनुष्यों में बीच में रहता है, ठीक है, क्लियर हो गया ना। दोनों में पाया जाता है। लेकिन अब यहाँ पर देखेंगे, यह है न्यूक्लियस केंद्रक, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट। इसे कोशिका का प्रबंधक क्या, मैनेजर ऑफ सेल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ही डीएनए आरएनए पाए जाते हैं, और बेसिकली डीएनए पाया जाता है जो कि सारी अनुवांशिक क्रियाओं को या जेनेटिक जो भी आपकी प्रोसेस रहेंगे उन सबको कंडक्ट कराता है डीएनए ही, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं। मान लीजिए आपका एक सेल, मैंने यहाँ पर एक मैंने न्यूक्लियस बनाया हुआ है, केंद्रक बनाया हुआ है, ठीक है ना। अब सबसे पहले देखेंगे केंद्रक के अंदर क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहले इस केंद्रक के अंदर सबसे पहले तो ऊपर एक लेयर, ये झिल्ली पाई जाती है जिसे कहते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन मतलब केंद्रक झिल्ली। भाई केंद्रक है तो कोई ना कोई झिल्ली से वो घिरा हुआ होगा, तो उसे कहेंगे हम न्यूक्लियस मेम्ब्रेन या केंद्रक झिल्ली। इज इट क्लियर, ठीक है ना। चलिए सेकेंड, यहाँ पर जो पाया जाता है इस केंद्रक के अंदर, अभी मैंने बताया एक न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है, केंद्रक द्रव्य पाया जाता है। सेकेंड, थर्ड चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। देखेंगे थर्ड चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है, क्या है? क्रोमैटिन। क्रोमैटिन, ये देखिए जाल दिख रहा है आपको, ये इस तरीके का न्यूक्लियस के अंदर एक नेट पाया जाता है ना, ऐसा जिसे है, ये इस तरीके का ऐसा उलझा हुआ जाल पाया जाता है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? क्रोमैटिन, ना कि क्रोमोसोम। क्या कहते हैं? क्रोमैटिन, ठीक है। ये जो क्रोमैटिन होता है बेसिकली प्रोटीन प्लस डीएनए से मिलकर बना होता है, और प्रोटीन में कौन सा प्रोटीन? हिस्टोन प्रोटीन, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है ना। अच्छा, इसी के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहीं पर आपके डीएनए भी मिल जाएंगे आपको, ये देखिए ये डीएनए, और यहीं पर आपको आरएनए भी मिल जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत? मतलब कहाँ पर है डीएनए आरएनए? इस न्यूक्लियस के अंदर है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि न्यूक्लियस के अलावा डीएनए कहाँ पाया जाता है? एनिमल सेल में कहाँ पाया जाता है, और प्लांट सेल में कहाँ पाया जाता है? ये आंसर दीजिएगा आप। देखिए न्यूक्लियस में तो पाया जाता है, लेकिन जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो न्यूक्लियस ऑप्शन में नहीं रहेगा, तो आप बोलेंगे ये तो गलत पढ़ाया आपने। तो नहीं, क्योंकि सभी को पता है कि न्यूक्लियस में तो रहेगा ही, तो वो कभी ऑप्शन में नहीं देता है, तो ऑप्शन में कुछ और चीज़ देती है। प्लांट में भी एक जगह न्यूक्लियस के अलावा कहीं और पाया जाता है, और ह्यूमन बीइंग में मतलब हमारे में भी डीएनए न्यूक्लियस के अलावा कहीं और पाया जाता है, तो आपको बताना है, कमेंट कीजिएगा प्लीज, ओके सभी लोग, ठीक है। अच्छा,
इसके बाद इस डीएनए आरएनए के अलावा भी इसके अंदर और छोटे छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जिन पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, इन पार्टिकल्स को हम कहते हैं न्यूक्लियोलस, मतलब केंद्रिकाएं, मतलब समझिए कोशिका मतलब सेल, सेल के बीच में न्यूक्लियस मतलब केंद्रक, और इसके अंदर छोटी छोटी केंद्रिकाएं। समझ में आ गया आपको, कोशिका केंद्रक केंद्रिकाएं, क्लियर। चलिए इस न्यूक्लियोलस का फंक्शन यहीं पर बता देता हूँ। ये जो आरएनए दिख रहा है, आरएनए का निर्माण करती है केंद्रिकाएं, न्यूक्लियोलस। समझ में आ गया ना, बस इतना ही मेन फंक्शन है इसका। और दूसरा जो एक फंक्शन है कि जब सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन में सबसे पहले जो पार्ट डिवाइड होता है वो ये न्यूक्लियोलस ही होती है। कंफ्यूज मत होइएगा, उसमें केंद्रक भी ऑप्शन देगा आपको, है ना। ये चीज़ें काफ़ी डेप्थ में है कि भाई सेल डिवीजन के टाइम सबसे पहले कौन सा पार्ट डिवाइड होगा आपका, केंद्रिकाएँ, ना कि केंद्रक। केंद्रिकाएँ डिवाइड होंगी, देन फिर केंद्रक डिवाइड होगा, और फिर कोशिका डिवाइड होगी, क्लियर ना। इसे कहेंगे केंद्रक के विभाजन को कैरियोकाइनेसिस, और कोशिका विभाजन को कहेंगे साइटोकाइनेसिस। सेल डिवीजन में बताऊंगा मैं आपको, इज इट क्लियर, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें थी। अब यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं, मैंने इस न्यूक्लियस में आपको सब कुछ बता दिया, मैंने यहाँ पर क्रोमोसोम कहीं नहीं बताया। तो भाई आप बोलेंगे कि क्रोमोसोम तो इस न्यूक्लियस के अंदर ही पाए जाते हैं, आपने कई बार पढ़ा होगा कि भाई केंद्रक के अंदर ही क्या पाया जाता है, क्रोमोसोम पाया जाता है। तो यहाँ गलत पढ़ा दिया क्या मैंने, बिल्कुल नहीं। देखेंगे क्या होता है एक्चुअल में क्या होता है, देखेंगे क्रोमेटिन, ठीक है ना। एक्चुअल में क्रोमेटिन से ही क्या बनता है, क्रोमोसोम बनता है, ठीक है। कैसे बनता है वो देखेंगे। साइंटिस्ट ने कहा है कि क्रोमेटिन एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसी संरचना होती है जिससे कोशिका विभाजन के समय क्रोमोसोम बनते हैं, मतलब क्रोमेटिन से ही क्रोमोसोम का उदय होता है, ऐसा एक वैज्ञानिक ने कहा है, ठीक है ना। देखेंगे कैसे, मैं आपको बता चुका हूँ अभी कि जैसे मान लीजिए एक सेल है, ठीक है, ये इसके अंदर न्यूक्लियस है, और क्रोमेटेड है इसके अंदर, ठीक है। अब जैसे ही सेल डिवीजन होगा तो सेल डिवीजन मैंने बताया कहाँ से होगा, न्यूक्लियोलस से, केंद्रिकाओं से, और केंद्रिकाओं के बाद क्या डिवाइड होगा, केंद्रक डिवाइड होगा। तो जैसे केंद्रक डिवाइड हो रहा है, धीरे धीरे केंद्रक, जैसे ही केंद्रक क्या होगा, गोल हो जाएगा, और गोल होने के बाद ये जो क्रोमेटिन है, ठीक है ना, ये जो क्रोमेटिन का जाल है, ये जाल देखो बहुत प्रैक्टिकली समझिएगा आप। मान लीजिए ये केंद्रक है, इसके अंदर क्या है, क्रोमेटिन है। अब क्या है, क्रोमेटिन को चारों तरफ से किसने घेर के रखा है, किसने घेर के रखा है, केंद्रक ने। अब देखिए, अब अगर मैं इसको रफ कर दूं, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, किसको रफ कर रहा हूँ, केंद्रक को। ये देखिए, मैंने मान लीजिए इस केंद्रक को कर दिया रफ, ठीक है। अंदर क्या बचा, ये वाला जो पार्ट है, ये क्या है आपका, ये ऐसा था, उसके बाद क्या कर दिया मैंने, एक बार और बताता हूँ, ये मान लीजिए क्या है, न्यूक्लियस है, इसके अंदर क्या है, ये क्रोमेटेड है, ठीक है ना। मैंने मान लीजिए इस न्यूक्लियस को रफ किया, रफ करने से क्या होगा, पूरा रफ हो जाएगा तो क्या होगा, क्रोमेटिन के धागे बाहर आ जाएंगे, बाहर आएंगे तो अब क्या होंगे, अभी सिकुड़ के नहीं रहेंगे, अभी क्या हो जाएंगे, अब ये फैल जाएंगे। कैसे फैल जाएंगे आपके, ठीक है, बाहर आने की कोशिश करेंगे आपके, ठीक है ना, मतलब ये चारों तरफ फैल जाएंगे। और जैसे ही ये फैलेंगे तो क्या होगा, ये फैल के किस में कन्वर्ट हो जाएंगे आपके, ये कन्वर्ट हो जाएंगे क्रोमोसोम में। समझ आ रही है मेरी बात, मतलब जो जाल में बंद था तो क्या कहलाएगा, क्रोमेटेड, और उसके बाद क्रोमेटेड जैसे ही न्यूक्लियस से बाहर आ जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रोमोसोम में। बहुत समझ में आया आपको, कोई दिक्कत। और जैसे ही क्रोमोसोम में कन्वर्ट होगा तो क्रोमोसोम को बेसिकली क्या कहा जाता है, क्रोमोसोम को कहा जाता है आनुवंशिक गुणों का वाहक, ठीक है ना। इसका मतलब अभी मैं समझाता हूँ आपको कि आनुवंशिक गुणों का वाहक मतलब ट्रांसपोर्टर ऑफ जेनेटिक करेक्टर क्यों कहा जाता है, ठीक है ना, अनुवंशिक गुणों का भाग अभी समझाता हूँ मैं, ठीक ना। और ये जो क्रोमोसोम है, हर एक प्राणी में एक निश्चित क्रोमोसोम होते हैं, जैसे मनुष्यों में 23 जोड़ी, और अगर जोड़ी से हटा देंगे तो कितने हो जाएंगे आपके, बताइए, 46, ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पर, ये आपका क्या है, क्रोमोसोम है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। इस क्रोमोसोम में देखिए, एक जैसे क्रोमोसोम है, यहाँ पर मैंने बनाया हुआ ये मैट्रिक्स, तो इस क्रोमोसोम में गाढ़ा इस तरीके का जेली जैसा पार्ट होता है, उसे मैं कहता हूँ मैट्रिक्स। यहाँ पर मैंने बनाए हुए देखिए मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा, अब इस क्रोमोसोम के दोनों तरफ क्या होता है आपका, इस तरीके का ऐसे गोल गोल ऐसे लगे हुए चारों तरफ इस तरीके के, है ना, ऐसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिन्हें मैं कहता हूँ जीन्स, ठीक है। ये देखिए, ये बनाए हुए मैंने, ठीक है ना, समझ में आया। ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम एक जेली जैसा पार्ट मैट्रिक्स, जहाँ पर आके मतलब बेसिकली क्या होता है मैट्रिक्स में, थोड़ा सा और समझा देता हूँ। इसी मैट्रिक्स में आके
एक ऐसा क्रोमैनी मेटा और एक ऐसा क्रोमैनी मेटा आकर ऐड होता है और इसे हम कहते हैं क्रोमोसोम। समझ में आया? मतलब दो क्रोमैनी मेटा क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम बनाते हैं। एक क्रोमैनी मेटा ऐसा और एक क्रोमैनी मेटा इस टाइप से कहाँ पर, इस गाढ़े वाले पार्ट में आके ऐड होते हैं और क्या बनाते हैं आपके क्रोमोसोम को बनाते हैं। क्लियर इतनी बात ना? समझ में आया? मैट्रिक्स में वो आप परस्पर आके जुड़ जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर मैंने क्या क्या आपको बता दिया, मैट्रिक्स बता दिया कि क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में गाढ़ा भाग मैट्रिक्स और इसके चारों तरफ जीन्स, और जीन्स को क्या कहते हैं, जीन्स को हम कहते हैं, जीन्स को यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है आपका आनुवंशिक गुणों के लिए जिम्मेदार, और यहाँ पर क्रोमोसोम आनुवंशिक गुणों के वाहक। तो दोनों में क्या अंतर है वो समझाता हूँ मैं। देखिए जैसे मैं क्लास लेने जाता हूँ नॉर्मली, ठीक है ना, तो मैं घर से क्लास बाइक में जाता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं घर से निकलता हूँ तो बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है, सुनिएगा ज़रूर। मैं घर से निकलता हूँ तो मैं बाइक से निकलता हूँ, ठीक है, बाइक मैं क्लास में जाकर नीचे खड़ी कर देता हूँ और ऊपर जाके क्लास मैं लेता हूँ, ठीक है ना। तो उसी टाइप से मैं घर से निकला तो क्या यहाँ क्लास के अंदर बाइक ने पढ़ाया क्या? नहीं, बाइक ने क्या किया, सिर्फ मुझे घर से वहाँ ड्रॉप किया। काम किसने किया? मैंने किया। वैसे ही देखेंगे ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के चारों तरफ जीन्स हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है, जनरेशन वन से जनरेशन टू में जो इन क्रोमोसोम को ट्रांसपोर्ट करता है वो कौन करता है? ये करता है कौन? क्रोमोसोम। और आपके जो एक्चुअल गुण किस में रहते हैं? वो रहते हैं इन जीन्स में। समझ में आया? यहाँ जीन्स मुझे मान लीजिए, क्रोमोसोम को गाड़ी मान लीजिए, मतलब ये सिर्फ ले जाने का काम कर रहे हैं, एक्चुअल जो फंक्शन है वो कौन कर रहा है? जीन्स कर रहा है। इसीलिए जिम्मेदार कौन होगा गुणों के लिए? जीन्स। और वाहक कौन होगा? वाहक मतलब ले जाने वाला, वो कौन होगा? क्रोमोसोम। जिम्मेदार कौन होगा? जीन्स। समझ में आ गया? मतलब अगर आपके पिताजी काले हैं, गोरे हैं, वो गुस्से वाले हैं, और टोटल किस पे डिपेंड करेगा? जीन्स पे, क्रोमोसोम पर नहीं। क्रोमोसोम केवल ले जाने का काम करते हैं, क्योंकि जीन्स खुद बा खुद ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते। समझ में आई मेरी बात? क्लियर ना? क्या होता है आपका क्रोमेटिन, क्या होता है क्रोमोसोम, क्या होता है जीन्स, इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम इतने में? नहीं ना। चलिए आगे देखते हैं, ये था आपका न्यूक्लियस के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। चलिए अब आगे मैं आपको बताता हूँ, अगला जो आपका पार्ट रहता है आपकी सेल में, वो पार्ट कौन सा रहता है आपका? ये देखिए यहाँ पर बना हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, ठीक है ना। आप देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली ये वाला पार्ट है, ये दिख रहा है ये आपको इस तरीके की, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, ये सब क्या है आपका? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली ये दो टाइप का होता है, दो टाइप का कैसा, एक है REs और एक SES, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम REs और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ और स्मूथ क्यों? रफ मतलब कि खुरदुरा अंतःप्रदव्य जालिका, और स्मूथ मतलब चिकनी अंतःप्रदव्य जालिका, हिंदी में अंतःप्रदव्य जालिका कहते हैं। क्यों? जिन, ध्यान से सुनिएगा, जिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के चारों ओर इस तरीके से गोल गोल स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये लगे हैं, ये पाए जाते हैं, इन्हें कहते हैं राइबोसोम, ठीक है, ये भी बता देता हूँ, उसे कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और देखिए यहाँ पर इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चारों तरफ क्या नहीं पाया जा रहा है? कोई भी राइबोसोम नहीं पाया जा रहा है, तो उसे कहेंगे स्मॉल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इज इट क्लियर? पता चला रफ और स्मूथ। रफ मतलब चारों तरफ देखिए डॉट डॉट पाए जा रहे हैं, स्मूथ में कुछ नहीं है चारों तरफ, ठीक है। देख लेते हैं इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, ठीक है, यहाँ पर नीचे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दो टाइप के होते हैं आपके अंतःप्रदव्य जालिका, एक REs ऊपर हमने देखा और एक SES, रफ और स्मूथ। जो RER होता है, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। क्यों करता है प्रोटीन का संश्लेषण? आगे समझ में आ जाएगा आपको, बता देता हूँ क्यों। क्योंकि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके रफ में क्या रहेगा? राइबोसोम रहेंगे, और राइबोसोम पता है राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो जब ये राइबोसोम से कनेक्टेड है तो ये भी क्या करेंगे? प्रोटीन का सिंथेसिस करने में हेल्प करेंगे। क्लियर हो गया? अच्छा, और जिनमें जिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये चारों तरफ नहीं पाए जाते राइबोसोम, वो लिपिड्स का संश्लेषण करेंगे। और सेकंड है कैल्शियम आयन के उपापचय में, मतलब कैल्शियम आयन के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेंगे। कौन? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ में आया?
अच्छा, कैल्शियम आयन का उपापचय मतलब कि जैसे कैल्शियम आपने खाया तो वो पूरा मेटाबॉलिज्म हो के आपकी बॉडी को मिनरल्स के फॉर्म में मिल जाए, उसका मेटाबॉलिज्म कौन करता है? आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, ठीक है ना। अच्छा, कैल्शियम आयन क्या है? अब आयन का मतलब थोड़ा सा समझा देता हूँ। जब भी किसी तत्व, जैसे कैल्शियम नॉर्मली क्या है, ये कैल्शियम है, लेकिन जब भी किसी कैल्शियम के ऊपर प्लस लग जाए, मतलब जब भी किसी तत्व के ऊपर प्लस या माइनस लग जाए, उसकी वैलेंसी पे डिपेंड करेगा। जैसे कैल्शियम की वैलेंसी होती है प्लस टू, तो मैं यहाँ दो प्लस लगाए हैं, तो मतलब ये कैल्शियम नहीं है, कैल्शियम आयन है। प्लस या माइनस लग जाए तो आयन, और अगर मैं खाली ऐसा लिख दूँ कि भाई ये, तो ये होगा कैल्शियम और ये होगा कैल्शियम आयन, ओके, क्योंकि बॉडी के अंदर जाने के बाद वो अपने आयन्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। क्लियर इतनी बात ना। और यहाँ पे दो प्लस क्यों लगाया मैंने, क्योंकि कैल्शियम, इसको भी समझ लीजिए थोड़ा सा, कैल्शियम एटॉमिक नंबर होता है 20 होता है, तो आपने रूल पढ़ा होगा, इसको डिवाइड करेंगे 2, 8, 8 और 2 में, तो उसकी वैलेंसी कितनी निकली लास्ट में, 2 निकली, तो 2 मतलब 2 प्लस, क्लियर। चलिए, अब सेकेंड जो फंक्शन है आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, वो क्या है? विभिन्न प्रकार के प्रोटीनों का संचरण। संचरण मतलब ट्रांसपोर्टेशन, मतलब एक जगह से दूसरी जगह क्या करना, ट्रांसपोर्ट करना। और कौन से प्रोटीन? जो कि कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली बनाते हैं। अब ऐसा क्यों, तो देखेंगे। आपने यहाँ पर देखा होगा, अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ध्यान से, अगर आपने इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ध्यान से देखा होगा, तो देखेंगे एक तरफ से किससे कनेक्टेड है, एक तरफ से सेल मेम्ब्रेन से कनेक्टेड है, सॉरी एक तरफ से न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से, और एक तरफ से सेल मेम्ब्रेन से कनेक्टेड है। तो बस एक तरफ से न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के लिए न्यूक्लियस मेम्ब्रेन का प्रोटीन, और सेल मेम्ब्रेन के लिए सेल मेम्ब्रेन को ये प्रोटीन प्रोवाइड करवाएगा। सिंपल सा डायग्राम देख के समझ में आ रहा है, ठीक है। इतना ही था आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब अंतःप्रद्रव्य जालिका के बारे में इतना ही था, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट जो आपका स्ट्रक्चर है, बिल्कुल देखिए क्या है, आपका राइबोसोम्स है, ठीक है। राइबोसोम्स देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कुछ अटैच्ड भी पाए जा रहे हैं, और कुछ इस साइटोप्लाज्म मतलब इस कोशिका द्रव्य में अलग अलग तैरते हुए भी पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं राइबोसोम्स को, सुना तो होगा आपने इसके बारे में, ये प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है इसे। समझ में आ रहा है सभी को? कोई इशू हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले राइबोसोम, ठीक है। इस राइबोसोम्स को क्या कहा जाता है, इसे सबसे पहले तो प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, ठीक है ना। क्यों कहा जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री? तो क्योंकि यहाँ पर प्रोटीन का संश्लेषण या सिंथेसिस होता है, ठीक है। क्या है अब संश्लेषण का मतलब क्या होता है, मतलब यहाँ पर प्रोटीन को बनाया जा रहा है। संश्लेषण, सिंथेसिस, मतलब बोलते हैं ना कि भाई सिंथेसिस कर लिया मैंने इस चीज़ का, मतलब मैंने इसको बना लिया, संश्लेषित कर लिया। लेकिन कैसे, किससे, पूरी प्रोसेस समझिए, बहुत शानदार तरीके से देखेंगे। एक्चुअल में क्या होता है, ये प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है, प्रोटीन की जो बेसिक यूनिट होती है, वो होती है अमाइनो एसिड या अमीनो एसिड, ठीक है। मतलब अमीनो एसिड से मिलकर ही प्रोटीन बनते हैं। मतलब राइबोसोम, एक चीज़ बता दूं, राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण नहीं करता है, वो केवल जगह प्रोवाइड करता है। मतलब केवल राइबोसोम है, उसके अंदर प्रोटीन बन रहा है, वो बना नहीं रहा है, ठीक है ना। तो बना कौन रहा है, कैसे बन रहा है, पूरी प्रोसेस समझाता हूँ, देखेंगे। एक्चुअल में सबसे पहले तो अमीनो एसिड बता देता हूँ, अमीनो एसिड कैसे हैं, बिल्कुल देखेंगे। जैसे मान लीजिए आपने कोई भोजन किया, ठीक है, भोजन में प्रोटीन था, ठीक है। जनरली प्रोटीन, जैसे अमले अंडा खा लिया आपने, या दूध और दालें दाल वगैरह खा ली, ठीक है ना, प्रोटीन था। तो प्रोटीन कैसा रहेगा, थोड़ा हार्ड फॉर्म में रहेगा, है ना। तो उस क्या होगा, एंजाइम क्या करेंगे, इस प्रोटीन को तोड़ देंगे पेप्टोन्स में। पेप्टोन्स मतलब कुछ नहीं होता है, मान लीजिए हैवी प्रोटीन है, तो इसको एंजाइम टुकड़ों में तोड़ देते हैं, तो वो टूटे हुए टुकड़े कहलाते हैं पेप्टोन्स। देखिए ये है आपका प्रोटीन, इसके ये टुकड़े हो गए, ये पेप्टोन्स, ठीक है। अब क्या होता है, और फिर एंजाइम आते हैं, और एंजाइम क्या करते हैं, इन पेप्टोन्स को उठा के अमीनो एसिड में बदल देते हैं। समझ आ रही मेरी बात, एंजाइम ये डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है। जब मैं डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगा तो आपको पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा। एंजाइम्स होते हैं यहाँ पर, एक एंजाइम होता है पेप्सिन, एक एंजाइम होता है आपका ट्रिप्सिन, ठीक है, और एक होता है एरिप्सिन। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको पूरे एंजाइम पढ़ाऊंगा कि कैसे कैसे कहाँ पे, है ना। मतलब बेसिकली एक सिन याद रखिएगा आप इसके लिए, कि सिन वाले एंजाइम क्या करेंगे, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे, ठीक। बस एक फंडा है इसका, सिंपल सा। अच्छा, अब क्या होगा, ये जो अमीनो एसिड हैं, ये बनेंगे कितने हमारी बॉडी में, 22। लेकिन इस अमीनो एसिड को बनाने के लिए केवल और केवल 20 इस प्रोटीन को बनाने के लिए केवल और केवल कितने, 20 अमीनो एसिड की ज़रूरत पड़ेगी। और इस अमीनो एसिड से प्रोटीन को कौन बनाता है, आरएनए बनाता है। तो आरएनए का मेन काम क्या हो गया, ये हो गया कि ये क्या करता है,
प्रोटीन का संश्लेषण करता है। कौन करता है? आरएनए। किससे करता है? एमिनो एसिड से करता है। कहाँ से बनते हैं? हमारे द्वारा खाए हुए भोजन को तोड़कर किस में बदला जाता है? पेप्टोन्स और देन एमिनो एसिड। अब आरएनए कैसे करता है वो भी समझा देता हूँ। आरएनए कितने टाइप के होते हैं? तीन टाइप के, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। एम मतलब मैसेंजर आरएनए, टी मतलब ट्रांसफर आरएनए और आर मतलब राइबोसोमल आरएनए। अब एम मतलब मैसेंजर, मतलब संदेश पहुँचाना। तो क्या करता है? कुछ नहीं करता है, ये इन एमिनो एसिड को चुनता है प्रोटीन बनाने के, और चुनने के बाद ये मैसेज पहुँचाता है टी के पास कि भाई मैंने एमिनो एसिड चुन लिया है, अब उसको आप क्या कर दो, टी के पास मैसेज पहुँचाते कि उसको ट्रांसफ़र कर दो, किसके पास? आर आरएनए के पास। समझ में आए? तो चुनने के बाद ये मैसेज पहुँचाता है, इसलिए मैसेंजर आरएनए। अब ये चुने हुए एम आरएनए के द्वारा चुने हुए एमिनो एसिड को टी मतलब ट्रांसफर आरएनए कहाँ ट्रांसफर कर देता है? आर आरएनए के पास, ठीक है। और आर आरएनए जो कि कहाँ पर बैठे हुए होते हैं? राइबोसोम्स में। वो क्या कर देते हैं? वो प्रोटीन का संश्लेषण किससे कर देते हैं? इन एमिनो एसिड से। प्रोसेस समझ में आई? एक चुनेगा, दूसरा उसको ट्रांसफर करेगा, किसके पास? आर आरएनए के पास। और आर आरएनए को क्या कहते हैं? राइबोसोमल आरएनए, क्योंकि ये राइबोसोम पर होते हैं और राइबोसोम के अंदर बैठ के किसका एमिनो एसिड को किस में बदल देते हैं? प्रोटीन में। तो प्रोटीन का सिंथेसिस हो गया। इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम? तो जगह कहाँ पर प्रोवाइड की गई, कराई गई? राइबोसोम में। काम किसने किया? आरएनए ने। किससे किया? एमिनो एसिड से। और क्या बनाया? प्रोटीन बनाया। इज इट क्लियर? समझ में आया? मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा तो आपके एग्ज़ाम में नहीं आने वाला। कोई प्रॉब्लम इतने में? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। कोई कमी हो या जैसा भी हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। काफ़ी स्टूडेंट कमेंट नहीं करते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो इस तरीके से हमने क्या समझा? इस राइबोसोम को समझा। थोड़ा सा और देख लेते हैं, राइबोसोम की डिस्कवरी वगैरह किसने की थी। तो सबसे पहली बात अगर देखा जाए तो सबसे पहली बार रॉबिन्सन और ब्राउन ने 1953 में सबसे पहले इस राइबोसोम को पादप कोशिका में देखा। लेकिन इनका नाम उतना मेन नहीं है, मेन नाम है जी पैलाडे का। इन्होंने 1955 में विस्तृत अध्ययन किया और जंतु कोशिका में राइबोसोम को देखा। इसलिए कभी भी क्वेश्चन अगर आता है तो आप आंसर क्या लगाएंगे? पैलाडे। इवन अगर पैलाडे अगर नहीं रहता है तो रॉबिन्सन ब्राउन लगा सकते हैं, लेकिन पैलाडे ही लगाना है अगर रॉबिन्सन ब्राउन और पैलाडे दोनों आए तो, ठीक है ना। और नामकरण इसका नाम दिया है रॉबर्ट नाम के साइंटिस्ट ने। इज इट क्लियर? चलिए, ये होता है आपका क्या, आपका राइबोसोम। समझ में आया? प्रोटीन की फैक्ट्री, संश्लेषण आपने पढ़ा कई बार होगा लेकिन समझ में कभी नहीं आया होगा। इवन मुझे लगता है कि शायद आज आपको समझ में आ गया हो। इवन जो लोग साइंस बैकग्राउंड के नहीं हैं उन्हें भी समझ में आ गया होगा, ना आए तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला स्ट्रक्चर देखते हैं। अगला स्ट्रक्चर क्या है आपका? माइटोकॉन्ड्रिया। ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ये ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है पावर हाउस कहा जाता है और रेस्पिरेटरी ऑर्गन समझते हैं इसे माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए यहाँ पर ये स्ट्रक्चर पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। देखते हैं इस माइटोकॉन्ड्रिया को, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देख लेते हैं। राइबोसोम था, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ओके। माइटोकॉन्ड्रिया सबसे पहले तो बता दूं कि माइटोकॉन्ड्रिया को जो सबसे पहले खोजा गया था वो खोजा गया था कॉलिकर नाम के साइंटिस्ट ने, सबसे पहले देखा उसने, ठीक है ना। लेकिन उसने माइटोकॉन्ड्रिया नाम नहीं दिया, उसने बोला कि ऐसा इस टाइप की कुछ स्ट्रक्चर हैं लेकिन प्रॉपरली वो उसे खोज नहीं पाए, ठीक है। फिर दूसरी बार जो इसका विस्तृत जो अध्ययन किया वो किया ऑल्टमैन प्लस फ्लेमिंग, जिसमें ऑल्टमैन का नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्लेमिंग उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ऑल्टमैन याद रखना, ठीक है ना। और उन्होंने 1890 में इसका बहुत अच्छे से स्टडी की और ऑल्टमैन ने इसे बायोप्लास्ट कहा जबकि फ्लेमिंग ने इसे सैक्रोसोम कहा, ठीक है ना। अभी भी माइटोकॉन्ड्रिया नाम नहीं दिया गया, ऑल्टमैन ने बायोप्लास्ट कहा। बायोप्लास्ट क्यों? क्योंकि जिस टाइप से क्लोरोप्लास्ट पौधों में भोजन बनाता है उसी प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया हमारे में भोजन बनाता है, इसीलिए बायोप्लास्ट, समझ गए। प्लास्ट मतलब लवक, ठीक। और फ्लेमिंग ने कहा सैक्रोसोम। इज इट क्लियर? अब इसका काम देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का। नाम किसने दिया? नाम दिया भाई बेंडा ने। बेंडा थे, उन्होंने बोला कि भैया ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहेंगे, तो बेंडा ने नाम दे दिया माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। देख लेते हैं इसके कुछ। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन होता है, मतलब इसके चारों तरफ दोहरी झिल्ली पाई जाती है, ठीक है, क्लियर। दूसरा जो पार्ट है, दूसरा जो पॉइंट है वो है आपका क्या, ये दूसरा बिगेस्ट पार्ट होता है, मतलब दूसरा सबसे बड़ा अंग होता है। पहला सबसे बड़ा अंग बता चुका हूँ मैं, केंद्रक। दूसरा सबसे बड़ा अंग माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। दो पॉइंट है, इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है और कोशिका का श्वसन अंग कहा जाता है, मतलब पावर हाउस ऑफ सेल और रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ सेल,
जानते हैं क्यों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर पावर हाउस तो सबने पढ़ा होगा लेकिन शोषण अंग नहीं पढ़ा होगा आपने। इवन इस वीडियो के बाद आप एमपीपीएससी की जो शॉर्ट आंसर राइटिंग आती है, जो 3 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं, वो सब आप कर सकते हैं इस वीडियो से बहुत ही ईजिली कि क्या कहा जाता है, कैसे 3 पॉइंट लिखने रहते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी एमपीपीएससी वालों के लिए भी, ठीक है। चलिए देखते हैं क्यों कहा जाता है, बहुत अच्छे से होता क्या है। जैसे आपने क्या किया, आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद एट लास्ट जो आपका फूड है जो डाइजेस्ट होने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में। फॉर्मूला है ग्लूकोज का C6H12O6, ठीक है ना। और क्या होता है, आप सांस लेते हैं, सांस में क्या आती है, ऑक्सीजन आती है। तो आपको तो बस इतना पता होगा कि भाई ऑक्सीजन फेफड़े में आ गई। अब फेफड़े के बाद क्या होता है कि फेफड़े से वो पूरी बॉडी में सप्लाई होती है, और पूरी बॉडी में सप्लाई होने के बाद एक टाइम वो कहाँ आती है, आपकी कोशिका के जितने भी सेल हैं सबके अंदर जाती है, ठीक है। उसे कहते हैं कोशिकीय श्वसन। एक तो आप ऊपर से श्वसन कर रहे हैं, मतलब जो फेफड़े वाला श्वसन है वो बाह्य श्वसन है, ठीक है ना, ठीक है ना। और एक होता है कोशिकीय श्वसन, मतलब सेलुलर रेस्पिरेशन, मतलब जिस जब ऑक्सीजन आपके सेल के अंदर एंटर करती है तो और सेल के अंदर के वो काम करती है, क्योंकि आपके सेल को भी जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। और जब सेल ऑक्सीजन लेता है तो सेलुलर रेस्पिरेशन या कोशिकीय श्वसन कहते हैं, ठीक है ना। और कोशिकीय श्वसन की जो क्रिया है वो कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, मतलब कोशिका के अंदर जो ऑक्सीजन आती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में आती है, ठीक है। तो होता क्या है, ग्लूकोज भी आपकी सेल के अंदर आया और ऑक्सीजन भी आपकी सेल के अंदर आई, सेल के अंदर कहाँ पर, आपके माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। और वहाँ पर दोनों में क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज मिलता है और एनर्जी बनाता है, मतलब ऑक्सीकरण वो प्रोसेस है जब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को का दान दिया जाता है और ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है ना। ऑक्सीकरण है मतलब इलेक्ट्रॉन को दान किया जाता है। तो ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ पर ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि आप जब खाना खाते हैं तो क्या होता है, ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन लेते हैं, और क्या छोड़ते हैं आप, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड आपने छोड़ा, और आपको पता है कि सांस लेने में आपको जलवाष्प भी निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जलवाष्प मतलब वही जल, 6H2O निकला, और साथ साथ में क्या होता है, ऊर्जा बनती है 38 ATP, मतलब इतनी एनर्जी बनती है कोशिकीय श्वसन में, मतलब जो आप सांस लेते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन जाती है और उससे कितने ATP बनते हैं, 38। लेकिन जो प्रॉफिट होता है वो 36 ATP का होता है, क्योंकि ग्लूकोज जब, मतलब सबसे पहले जब ग्लूकोज के एक अणु को पाइरुविक एसिड के 2 अणुओं में, एक पाइरुविक एसिड और 2 पाइरुविक एसिड के 2 अणुओं में तोड़ा जाता है, तो 1 ATP यहाँ और 1 ATP यहाँ खर्च हो जाता है। तो लास्ट में जो शुद्ध मुनाफा बचता है वो कितने ATP का बचता है, 36 ATP का बचता है। और 36 ATP क्यों, क्योंकि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल को पाइरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूल में तोड़ते हैं जब, तो 1 ATP खर्च हो जाता है। अब क्या है ये ATP जान लेते हैं। दो वर्ड आपने पढ़े होंगे, दो वर्ड क्या क्या हैं, एक ATP है, एक ADP है, ठीक है। ATP, तो ATP को हम क्या कहते हैं, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, और ADP को हम बोलते हैं एडिनोसिन ड्राई फॉस्फेट। एक जगह ट्राई है, एक जगह डाई है, मतलब ट्राई मतलब 3, डाय मतलब 2। तो एक्चुअल में क्या होता है, ATP कैसे बना होता है, एक राइबो शुगर होती है जिसका नाम है एडिनोसिन, जो DNA RNA में पाई जाती है, शुगर है एक, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एडिनोसिन एक शुगर है, और फॉस्फोरिक अणु के, फॉस्फोरिक मॉलिक्यूल के कितने मॉलिक्यूल रहेंगे यहाँ पे, 3, किसमें, ATP में। जबकि यहाँ पर क्या होगा, सेम शुगर क्या पाई जाएगी, राइबो शुगर ही रहेगी, लेकिन और सॉरी राइबो शुगर नाम है एडिनोसिन, लेकिन यहाँ पर फॉस्फोरिक के कितने अणु मिल जाएंगे आपके, 2 अणु। मतलब यहाँ पर सिंपल सी बात है कि एक अणु क्या हो जाता है, खर्च हो जाता है ऊर्जा देने में, तो क्या हो जाती है, हमारी ऊर्जा कम हो जाती है, मतलब ADP में बदल जाती है, और फिर हम ग्लूकोज भोजन लेते हैं और इस ADP को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, आपके ATP में कन्वर्ट करते हैं। इज इट क्लियर, मतलब ADP को ATP में कन्वर्ट किया जाता है। समझ में आ रही मेरी बात, तो आपकी बॉडी को चलाने के लिए जो ऊर्जा है वो है ATP, और जब ATP ऊर्जा दे देती है तो कन्वर्ट हो जाती है ADP में, ठीक है। कोई दिक्कत इतने में, समझ में आया,
ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखेंगे, मैंने एक चीज़ बताई थी कि भाई इसे पावर हाउस क्यों कहा जाता है, क्योंकि सिंपल सा देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, ए एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के मॉलिक्यूल बन रहे हैं, मतलब ऊर्जा मिल रही है, मतलब पावर हाउस। श्वसन अंग क्यों कहा जाता है, सिंपल सी बात भाई, ऑक्सीजन आ रही है, सांस ले रहा है सेल यहाँ से, तो श्वसन अंग कहा जाता है, क्लियर। पावर हाउस सबको पता होगा, श्वसन अंग बहुत कम लोगों को पता है, क्लियर ना। तो ये था पूरा किसके बारे में, आपके माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। अच्छा एक चीज़ और बता देता हूँ, जिस टाइप से हमारे में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है उसी टाइप से आपके प्लांट में क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और इसकी उल्टी प्रोसेस कौन करेगा, प्लांट। उल्टी प्रोसेस मतलब इस स्टेप को उठा के यहाँ कर दीजिए, देखिए आप जो 6 कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो कौन लेता है, पौधा लेता है। आपने पढ़ा होगा ना कि भाई पौधा हमसे कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, प्लस वो अपने जड़ों से क्या लेता है, क्या लेता है भाई, वाटर लेता है, लेता है। उसके बाद क्या करता है वो, उसके बाद यहाँ क्या रहना चाहिए, सूर्य का प्रकाश और क्या, क्लोरोफिल, ठीक है। और क्या करता है वो, अपने लिए खाना बनाता है, खाना मतलब आपने खाने में क्या बनाया था, खाना पचने के बाद ग्लूकोज बनाया था, प्लस वो क्या करता है भाई, ऑक्सीजन भी तो छोड़ता है, तो क्या करेगा वो, O2 को रिलीज करता है। समझ आ रही है मेरी बात, यहाँ पर 6O2 कर दीजिएगा, है ना, 6O2। तो यहाँ पर देखिए उल्टा हो गया, मतलब जो हमने ग्लूकोज लिया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा और वाटर छोड़ा, और उसी कार्बन डाइऑक्साइड को किसने लिया, पौधे ने लिया, जड़ों से वाटर को लिया और अपने लिए खाना बनाया और ऑक्सीजन बनाया, मतलब उल्टी प्रोसेस ये पौधों में फर्स्ट हो जाएगी। समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, ठीक है ना। तो उल्टा होता है, इसी कारण क्या होता है, बैलेंस बना रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस बना रहता है। इसीलिए हम कहते हैं कि भाई पौधे बड़ा लगाओ, क्यों लगाओ, क्योंकि हमने जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी है वो कौन ले रहा है, वो ये जो आपने 6 कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी है वो कौन ले रहा है, पौधा ले रहा है, और उसे क्या बना रहा है, अपने लिए खाना। और एक चीज़ और याद रखना है कि कभी भी जो पौधा है वो अपने लिए मतलब आपका भला नहीं करता है, सही बताऊँ तो भला नहीं करता है, मतलब भला तो करता है लेकिन कैसे, पौधे भी चालाक हैं, सबसे पहले वो अपने लिए भोजन बनाता है, मतलब सबसे पहले क्या बनाएगा वो, ग्लूकोज, और को प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या बनाता है, ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है, मतलब उप उत्पाद है, मेन प्रोडक्ट तो सबसे पहले उसने अपने लिए खाना बनाया, उसके बाद एक्स्ट्रा बन गया ऑक्सीजन जो आपको मिल गया, क्लियर ना, समझ में आया। तो क्वेश्चन आता है कभी कभी कि भाई प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है, तो आप आंख बंद करके मत लगा देना ऑक्सीजन, नहीं ग्लूकोज, ठीक है। पहले पौधा अपने बारे में सोचेंगे, उसके बाद आपके बारे में सोचेंगे, ठीक है। तो ये आपकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी किसके बारे में, आपके माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स वीडियो बड़ी हो रही है तो मैं आज इस वीडियो में इतना ही बताता हूँ। तो इस वीडियो में हमने राइबोसोम देखा, माइटोकॉन्ड्रिया देखा, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम देखा, हमने न्यूक्लियस देखा, क्रोमोसोम और क्रोमेटिन में डिफरेंस देखा, ओके, और सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल के बारे में बताया, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे की वीडियोस के लिए बने रहिए मारेवा IAS एकेडमी के साथ। धन्यवाद।